नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाई हार्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब आप बहुत देर रात तक वाहन को चलाते हैं या फिर जब आप घर पर ही बहुत देर रात तक पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको अचानक ही नींद लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई ऐसी डिवाइस भी होगी जो हमारे नींद लगते ही तुरंत हमें सचेत कर दे कि हमको नींद लगी हुई है। दोस्तों, अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको तुरंत नींद लगते ही आपको सचेत कर दे। दोस्तों, दो ऐसी डिवाइसें होती हैं जो हमारे आंख को सेंस कर सकती है। पहली होती है आई ब्लिंक सेंसर और दूसरी डिवाइस होती है IR सेंसर। दोस्तों, दोनों डिवाइस का वर्क सेम ही होता है। इस वीडियो में हम केवल आई ब्लिंक सेंसर के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह डिवाइस इंफ्रारेड रेंज के सिद्धांत पर काम करती है। यह डिवाइस 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन 11x9x3 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसकी वेट की बात करें कि यह कितना वजन होता है, यह लगभग 50 ग्राम का होता है। सेंसर में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें दो LED आपको दिख रही होगी, एक ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। दोस्तों, जो हमारी व्हाइट कलर यानी सफेद कलर की LED है, यह हमारा ट्रांसमीटर होता है, यानी कि यह इंफ्रारेड रेंज को ट्रांसमिट करता है। और जो हमारा ब्लैक कलर की LED होती है, यह रिसीवर होता है, यानी कि जब हमारी व्हाइट जो LED है वह इंफ्रारेड को ट्रांसमिट कर देगी, जब कभी इंफ्रारेड किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो जो हमारा ब्लैक कलर की LED है, रिसीवर है, वह उस इंफ्रारेड रेंज को रिसीव कर लेगी। रिसीव करने के बाद वह एक आउटपुट जनरेट करेगी, जो कि यहाँ पर आउटपुट पिन लगा है, वहां से वह आउटपुट हो जाएगी। दोस्तों, आप यहाँ पर जो नीला कलर का एक बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारा ट्राइपॉड है, यानी कि इसके द्वारा हम डिस्टेंस को मैनेज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सफेद कलर की LED है, जो कि इंफ्रारेड रेंज को ट्रांसमिट करेगी, ये हमारी इंफ्रारेड रेंज कितनी दूरी तक जाएगी, इसको डिसाइड यही बॉक्स और ट्राइपॉड ही डिसाइड करता है। इसके द्वारा यह एक रोटरी स्विच की तरह होती है, जिसको हम घुमाकर डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बगल में एक IC लगी हुई है। दोस्तों, आप यहाँ पर 3 पॉइंट देख रहे हैं, पहला VCC पॉइंट, दूसरा ग्राउंड पॉइंट और तीसरा आउटपुट पॉइंट, यानी कि जो हमारा VCC है और ग्राउंड है, यहाँ पर हम इस आई ब्लिंक सेंसर को सप्लाई देते हैं यहाँ से, यानी कि जो 5 वोल्ट है वहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और जो ग्राउंड दिया है वहां बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस आई ब्लिंक सेंसर के हम वर्किंग की बात करें तो इसमें आप जो VCC पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद यह ऑन हो जाएगा और जो इसका ट्रांसमीटर पॉइंट है वह रेंज को ट्रांसमिट कर देने लगेगा। जैसे ही हम इस सेंसर को अपने आंख के पास ले जाएंगे और हमें जैसे ही नींद लगेगी, दोस्तों जैसे ही हमारी आंख की प्लग नीचे आएगी, रेंज सीधे हमारे प्लग से टकराएगी और जो रिसीवर होगा उसे रिसीव कर लेगा। ब्लैक कलर की जो LED है वह उस रेंज को रिसीव कर लेगा और आउटपुट में हाई प्रोड्यूस कर देगा। यह प्रोसेस चलता रहता है, जितनी बार हम अपने आंख को झपकाते हैं उतनी बार वह आउटपुट में हाई प्रोड्यूस करता रहेगा। जब अपने आंख को नहीं झपकाएंगे तो वह आउटपुट में 0 ही देता रहेगा। अगर उस सर्किट के सीरीज में हम एक बजर लगा दे तो जैसे ही अपने प्लग को झपकाएंगे वह आउटपुट में हाई प्रोड्यूस करेगा, हमारा बजर एक अलार्म थोड़ा हमें सचेत कर देगा। दोस्तों, इस सेंसर में जो रेंज प्रयोग की जाती है वह इंफ्रारेड रेंज होती है, जिसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा इंफ्रारेड रेंज होता है, ये हमारे आंख को कुछ प्रभावित तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वह नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 माइक्रोन की इंफ्रारेड रेंज हमेशा प्रोड्यूस करती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।